ओके क्लास सामने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन का आपका एक चैप्टर है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है उनमें से एक है विटामिन सी। तो आज हम देखेंगे कि विटामिन सी में जो है वो उसकी जो हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, और इसके अलावा हमारी जो डाइट्री नीड्स जो हैं वो विटामिन सी की वो क्या है, हम डाइट में जो है वो विटामिन सी किस तरह से ले सकते हैं और कितनी जो है क्वांटिटी रोजाना हमारी बॉडी को विटामिन सी की चाहिए। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैसे लेके चलता है विटामिन सी, और हम डेली लाइफ में किस तरह से विटामिन सी जो है वो हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले आपको ये बता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड जो आपके पास शो हो रही है वो है हिस्ट्री की, कि विटामिन सी जो है, हिस्ट्री से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी डिस्कवरी कब हुई, किस ईयर में हुई और उसको डिस्कवर करने वाला नाम क्या था, ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, और इसके अलावा वो सबसे पहले किस चीज में जो था वो पाया गया या उसको आर्टिफिशियली कब सिंथेसाइज किया गया। तो यहाँ पे जो है वो मेंशन है कि विटामिन सी जो था उसको डिस्कवर स्कॉटिश एक सर्जन था जेम्स लैंड, उसने 1747 में किया, फिर रीस्टैब्लिश किया पोस्ट और फॉरलिच ने 1912 में, और उसको फिर जिस चीज में उन्होंने निकाला था जिससे उससे आइसोलेट किया उनके भी नाम है, ठीक है, और एक स्विस ग्रुप लिखा हुआ है साइंटिस्ट का या उनकी कोई कंपनी का रिसर्चर्स का, तो उन्होंने 1933 में उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी किया, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हिस्ट्री है विटामिन सी की। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए आफ्टर हिस्ट्री वो ये है कि केमिस्ट्री क्या है किसी भी चीज की। विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्युबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी जो है उसको यूज किया जाता है क्योर करने के लिए कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर का, ठीक है, और केमिकली इसको हम, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं केमिकली, और एस्कॉर्बिक एसिड के एस्कॉर्बिक एसिड के जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनसे क्लोजली वो रिलेटेड है, मोनोसैकेराइड इन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में और दूसरा एल डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, एक रिडक्शन फॉर्म में होता है दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। विटामिन सी जो है वो बेसिकली हम हर जो डिजीज है कॉमन कोल्ड से लेकर टिल कैंसर तक जो है वो यूज करते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि हमें जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। हम इसको एसिड क्यों कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी में जो इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, ठीक है। और आपको पता है टू टाइप्स हैं, एक रिड्यूसिंग है और दूसरी ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि एल एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की जो एल टाइप है वो ऑक्सीडेशन होती है उसकी, तो डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बनता है या उसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। तो डी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बायोलॉजिकल इनएक्टिव है, ठीक है, बायोलॉजिकली वो एक्टिव नहीं है। जो विटामिन सी है वो हमारे जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं, हमारा जो बॉडी का प्लाज्मा है उसमें जो है वो रिड्यूस फॉर्म में, यानी कि एल जो एस्कॉर्बिक एसिड है उस फॉर्म में है, ठीक है। तो इट मींस के जो डी एस्कॉर्बिक एसिड है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन होती है एस्कॉर्बिक एसिड की और बहुत जो है उसमें फ्लो में होती है, ठीक है, तो वो होती है जब कॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है उन जगहों पर, तो फिर ऑक्सीडेशन होती है एस्कॉर्बिक एसिड की। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, ठीक है,
विटामिन सी का आप देख सकते हैं किस तरह से इनोलिक ग्रुप जो है उसके साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमने उसको कहा है कि ये क्या है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू द इनोलिक ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये इसका विटामिन सी का जो है वो जनरल स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला है। अब हमारे पास आगे मेजर पॉइंट आता है कि विटामिन सी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें किस तरह से इसका रोल है, ठीक है। तो अगर हम कोई विटामिन सी कंटेनिंग फूड लेते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टोर होता है, ठीक है। 1 ग्राम जो है विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जो प्लाज्मा है उसमें और जितनी भी हमारी बॉडी के टिश्यू हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है एज एस्कॉर्बिक एसिड या फिर डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और जो आई जो है आपका, ठीक है, उसमें जो रेटिना का पोर्शन है उसमें फाउंड होता है ये, ठीक है। जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स आपके होते हैं किडनी के ऊपर, येलो कलर की किडनी के ऊपर एक जो है वो आपको माउंटेन शेप की नजर आती है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी एंड थाइमस, ठीक है। पिट्यूटरी जो है वो ग्लैंड, थाइमस जो है वो आपके एसोसिएटेड होता है गले के साथ। जो पिट्यूटरी है वो होता है ब्रेन के साथ अटैच होता है, जो तमाम जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कवर करता है। तो इस सब में जो है वो प्रेजेंट होता है विटामिन सी, तो ये मेटाबोलाइज होकर यहाँ यहाँ जाता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है कि विटामिन सी के फंक्शंस क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, और यानी कि आगे उसका अगर हम सर्वे करते हैं कि विटामिन सी जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है या उसका असेस होता है तो उसका जो हमारी बॉडी पे रिएक्शन क्या है। पहले भी मैंने आपको बताया विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। 70% विटामिन सी जो है जब हम कोई भी स्ट्रिक फूड जो है जिसमें विटामिन सी है उसको पकाते हैं ड्यूरिंग विटामिन 70% जो है उसमें हम लॉस्ट कर जाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स इस तरह के हैं कि जो ग्लूकोज वो खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें ग्लूकोज बनता है उनकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज करता है एस्कॉर्बिक एसिड को उनकी बॉडी में, ठीक है। मैन, हायर प्राइमेट्स में आपके पास चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला आते हैं, और गोनिया पिग्स, बैट्स जो हैं ये एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी अपने ग्लूकोज से खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर उन्होंने कहा है कि मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनमें नीचे मैन और हायर प्राइमेट्स और गोनिया पिग्स और बैट्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते कुछ से। एग्जाम्पल दिए डाइट्री सोर्सेज जो हैं विटामिन सी की, ठीक है, उसमें आंवला जो है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा, गावा में मिलता है, लाइम में, जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं या सिट्रस फूड है उन सब में विटामिन सी जो है आपको एक्सेस अमाउंट में मिलता है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, मस्टर्ड प्लांट है, इसके अलावा कैबेज है, ठीक है, आपका धनिया आता है, पुदीना आता है, इस सब में आपको विटामिन सी जो है वो एक्सेस अमाउंट में मिलता है। इसके अलावा मिल्क में मिलता है आपको, ठीक है, या लीवर जो है एनिमल्स का, फिश जो है उसमें जो है आपको विटामिन सी की एक्सेस अमाउंट जो है वो मिलती है। दीज आर द डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन सी, यू कैन टेक फ्रॉम दीज सोर्सेज। अगर आपको विटामिन सी की ज़रूरत है तो आप इन सोर्सेज से जो है वो ले सकते हैं, या डेली जो है आप फूड लेते हैं तो लीफी जो वेजिटेबल्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पिनच खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी जो है उससे ले सकते हैं। अगर आप लेमन जूस पीते हैं या लेमन को एज अ सोर्स यूज करते हैं वाटर में डाल के या कोई और भी सोर्स में खाने में डालते हैं तो आप विटामिन सी की अमाउंट जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप गावा एज अ फ्रूट खा रहे हैं तो अभी आपको विटामिन सी मिल रहा है और आपकी बॉडी में डाइटरी सोर्स जो है विटामिन सी का वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो रिच सोर्सेज फ्रूट और वेजिटेबल हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट भी उन्होंने ये बताया ऑरिजिन्स हैं, ग्रेप्स हैं, स्पिनच है, टोमेटोज हैं, लेमन है, ठीक है, और विटामिन सी का मिल्क, मिल्क में मौजूद है विटामिन सी लेकिन पोअर सोर्स है। रिच सोर्सेज जो हैं वो आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं और आपकी लीफी वेजिटेबल्स और लीफी फ्रूट्स हैं उनमें आपको मिलता है विटामिन सी हाई और रिच होम है, ठीक है। तो डेली की जो अमाउंट है मैन में 60 मिलीग्राम पर डे चाहिए, वुमेन में भी सेम चाहिए।
प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टेड वुमेन जो होती हैं उनमें 80 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और जो लैक्टेशन है यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं, नर्सिंग मॉम हैं, उनमें जो है वो 100 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ द ऑफ विटामिन सी। फंक्शंस क्या हैं विटामिन सी के? विटामिन सी के फंक्शंस जो हैं उनमें आता है हमारे पास, ठीक है, इट कैन चेंज बिटवीन एस्कॉर्बिक एसिड एंड डिहाइड्रोज, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के पास एबिलिटी है कि व्हेन इट नीडेड तो उसको अगर उसमें स्टोर होना है तो वो डिहाइड्रो जो है एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज हो सकता है, ठीक है, जब जरूरत है बॉडी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जितने भी जो प्रोलीन, ठीक है, और लाइसिन रेजिड्यूज हैं, ठीक है, उनके लिए ये नेसेसरी है विटामिन सी, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी में विटामिन सी जो है वो नेसेसरी। एक्चुअली ये सारे जो अभी आप स्टेप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे विटामिन सी के, वो एसोसिएटेड है विद मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म किस तरह से करवाते हैं। तो लाइसिन और प्रोलीन जो हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, उनको हेल्प करने के लिए विटामिन सी जो है वो उनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जितने भी फाइबर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, किस तरह से कि जो कोलेजन्स हैं उनके दरमियान क्रॉस लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोलीन और लाइसिन जो हैं, ठीक है, आपस में क्रॉस लिंक क्रिएट करते हैं, किसमें, कोलेजन्स में, ठीक है, टिश्यूज के अंदर। उससे ये होता है कि वहाँ पे विटामिन सी जो है वो उनको एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू लाइक ऑस्टियाइड, ये जितने भी टिश्यू यहाँ लिखे हुए हैं ये बोन से रिलेटेड हैं, ठीक है, आपके बोन से टिश्यू से रिलेटेड है, आपकी कार्टिलेज से, इंट्रासेलुलर सीमेंट सब्सटेंसेस ऑफ कैपिलरीज, इन सब को आपस में बाइंड करने के लिए, क्रॉस लिंकिंग करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो नेसेसरी है। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, ये जितने भी अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये है जो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म है उसके लिए भी नेसेसरी है विटामिन सी। ट्राइसिन मेटाबॉलिज्म जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट को होमोजेनेस्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो विटामिन सी जो है वो इसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइसिन मेटाबॉलिज्म। कि ट्राइसिन मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, ऑक्सीडेशन टू फ्ला और देन नेक्स्ट वर्ड, तो उसमें विटामिन सी जो है वो हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपके वो आयरन मेटाबॉलिज्म है, अगर आप आयरन जो है आपको पता है सारे क्या है, आयरन इज अ मिनरल, ठीक है, आयरन जो है उसका मेटाबॉलिज्म चाहिए, तो जो विटामिन सी है, ठीक है, वो फेरिक आयन को फेरस स्टेट में चेंज करता है, ठीक है, और आपकी इंटेस्टाइन जो है वो फेरस स्टेट में उसको एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा है हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, वो कन्वर्जन कराता है मेट हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी उस फॉर्म में कन्वर्जन कराता है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, जिस पे हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें हेल्प द एंजाइम फोलेट रिडक्टेज टू रिड्यूस फोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, हर उस सब्सटेंस में चेंज करवाता है विटामिन सी इन सब को जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब उनकी मैचुरेशन होती है तो विटामिन सी जो है वो मैचुरेशन यानी उनको मैच्योर होने में हेल्प आउट करता है। स्टेरॉइड सिंथेसिस में जितने भी आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनमें एसोसिएटेड जितने भी स्टीरियोजेनेसिस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनमें विटामिन सी रोल प्ले करता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेडुला, ठीक है, तो इन दोनों से जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के साथ विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही ACTH की स्टिमुलेशन होती है तो वहाँ से वो डिप्लीट हो जाता है, ठीक है, और उसको साथ स्टिमुलेट करवा के ACTH को, एडिनोसिन वो हार्मोन का नाम है। अच्छा, स्टिमुलेट फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं आपकी इम्यून से रिलेटेड हैं, आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करवाते हैं कि आपको एक तो इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, जितने भी बाहर से जर्म इनटेक करते हैं आप अपनी बॉडी में उनको साफ करते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वाइट ब्लड सेल्स की जो फैगोसाइटिक यानी कि उन जर्म्स को अब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है
उसको स्टिमुलेट करवाता है. इट मीन्स कि विटामिन सी इज एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया रेटिना में विटामिन सी कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है. उन्होंने लिखा हुआ है कि लेंस ऑफ आई जो है उसमें होता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर अमाउंट जो है वो ज्यादा उसमें कंसंट्रेट कर जाती है, ठीक है, लेंस में आंख की, तो इससे ये होता है कि आप का जो रिस्क है कैटारैक्ट का, ठीक है, अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में लेते हैं या अगर ज्यादा भी लेते हैं आपको जरूरत है, तो जो रिस्क है कैटारैक्ट डिजीज का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. मीन्स कि आपको विटामिन सी जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, एज सच इंपॉर्टेंट कॉल टू कैंसर, ठीक है. एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में काम करता है, मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें जो है वो पार्टिसिपेट करता है, रीजनरेट करता है एंटीऑक्सीडेंट को, ठीक है. और एंटीऑक्सीडेंट को जो है विटामिन ई की फॉर्म में जो है वो रीजनरेट करता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, इसके पास डिजीजेस को क्योर करने की प्रॉपर्टी भी है, इसके पास जो है वो कैटारैक्ट फॉर्मेशन को रिड्यूस को रिस्क करने की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है. इसके अलावा जो है वो जितने भी स्टीराइड सिंथेसिस होते हैं, स्टीराइड हार्मोन है, उनको स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी भी है. वो इम्यून जो सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स का है उसको कंट्रोल करने की भी इसके पास प्रॉपर्टी है. तो इसमें उन्होंने विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, उसके उसका एक कंप्लीट ये चार्ट है. अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो आसानी से आप लिख सकते हैं कि हम विटामिन सी को सबसे पहले क्या कहते हैं. विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. आगे उसकी कोलेजन में जो टिश्यूज हैं उनमें प्रॉपर्टी है, एंटी ऑक्सीडेंट है. इसके अलावा जो है वो सोर्सेज उसके क्या हैं ये लिखा हुआ है. इसके अलावा सबसे पहले लिखा विटामिन सी है क्या, ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो विटामिन सी अगर हम इनटेक प्रॉपर करते हैं तो हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है. ओवर एजिंग से बच सकते हैं, स्ट्रोक से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना, ठीक है, उससे बच सकते हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं, इसके अलावा सर्कुलेटरी जितनी डिजीजेज हैं उनसे बच सकते हैं, कैंसर हमें नहीं हो सकता, अस्थमा से हम बच सकते हैं, टॉक्सिन रिमूवल हो जाता है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होती यानी वाइट ब्लड सेल जो फैगोसाइटिक जो स्टिमुलेशन है एंटी फैगोसाइटिक वो रोकते हैं. इसके अलावा गॉल ब्लैडर की डिजीजेज नहीं होती, कैटारैक्ट्स नहीं होते, अल्कोहल या ड्रग का जो हम इंटेक करते हैं उनसे बच सकते हैं, उसके उससे एसोसिएटेड जितनी भी डिजीज हमें होती हैं उनसे बच सकते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन कॉल यानी इन्फ्लुएंजा से. तो ये जो है विटामिन सी इट मीन्स कि इट्स ऑल अबाउट द इम्यूनिटी ऑफ आर बॉडी, कि हम अपनी बॉडी को इससे इम्यून रख सकते हैं. इसीलिए आज के दिनों में जो पेंडेमिक हुआ है कोरोना का, COVID-19 का, तो उसमें कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को जो है वो इम्यूनिटी पे कंसंट्रेट करें, और उस इम्यूनिटी पे कंसंट्रेट करने के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन सी जो है उसका इंटेक हुआ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी इम्यून रहे. अब आता है कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, ठीक है. डेफिशिएंसी में जो है वो इंटेस्टिनल डिजीजेस होती हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर जो डाइटरी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाती, ठीक है. और आपकी जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी की इंक्रीज डिमांड है वो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, सर्जरी में, या फिर आप अगर खुदा ना खास्ता जो है वो बर्निंग हो जाती है किसी पार्ट की बॉडी की, तो उसमें चाहिए, ठीक है, क्योर करने के लिए. इसके अलावा जो है वो डिजीज है बारलास डिजीज, ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं 6 से 12 मंथ की एज के, उनकी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी जब होती है, ठीक है, विटामिन सी की, तो उसको इन्फेंटाइल स्कर्वी कहते हैं, ठीक है, बारलास डिजीज. बारलास डिजीज जो है उसमें 6 से 12 मंथ के बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, उनमें डेफिशिएंसी होती है, तो उनको सप्लीमेंट्री जो है वो विटामिन के सोर्सेज से, सी के सोर्सेज जो है वो दिए जाते हैं. क्योंकि आपको पता है जो इतनी छोटी कम एज के बच्चे हैं वो मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वहाँ से उनका इंटेक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है. इसके अलावा हेमरेज जो है उसकी टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है,
हेमरेज जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। आपको मैंने पहले बताया कोलेजन जो है टिश्यूज उनके दरमियान बाइंडिंग कराते हैं, जब ये बाइंडिंग कराती है उनके दरमियान तो जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। जब वो प्रॉपर वे में नहीं होती है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, तो आप हेमरेज की तरफ जो है वो हाइपरटेंशन और हेमरेज की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, एक्मासिस जो है ऐसा होता है कि जो हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है ना वो नहीं हो पाती। इफ यू हैव डेफिशिएंसी और लैक ऑफ विटामिन सी तो वहाँ पे हीमाटोमा जो है वो मास ऑफ सेल्स होता है ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस बनता है। ठीक है, उसकी जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, हीलिंग नहीं होती। ठीक है, और बाजू का ऐसा होता है कि जो इंटरनल ब्लीडिंग है हम कहते हैं कि हेमरेज हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो जो ब्रेन है उसको जाने वाली जितनी भी कैपिलरीज या वेन्स हैं या आँखों से एसोसिएटेड हैं तो उनमें क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो है वो डेथ भी कॉज हो जाती है। आपके जो गम्स हैं ठीक है उनमें वो पेनफुल हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्वेलन रहते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, और वाउंड हीलिंग जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि वाउंड हीलिंग जो है वो डिले होती है। बोन्स जो है उनकी डिजीज होती है क्योंकि ये एसोसिएटेड है बोन्स के साथ। इसके अलावा अनीमिया जो है वो काज हो जाता है। ठीक है, फटीग डिप्रेशन फील होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वेल उसमें काम नहीं करती प्रॉपर वे में। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी भी इम्यूनिटी है वो मोस्ट ऑफ जो है वो विटामिन सी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो विटामिन सी है वो मैंने पहले भी बताया टीबी को क्योर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो है इससे हम किस किस चीज से बच सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है टीबी से बच सकते हैं, हेमरेज से बच सकते हैं, स्ट्रोक जो है हार्ट स्ट्रोक उससे बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बर्न होता है या अल्सर होता है ठीक है स्टमक का, उससे बचने के लिए भी विटामिन सी जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक्सेस विटामिन सी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है और बॉडी में एक्युमुलेट नहीं होता तो इससे ये होता है कि आपकी बॉडी में जो दूसरे मिनरल्स और विटामिन है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लाइक आयरन जो है उसके साथ बॉडी ओवरलोड हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये हमारे पास सकते हैं कि ये बायोकेमिकल जो है हमारे पास फाइंडिंग्स आई है कि जो प्लाज्मा है वो डिक्रीज होता है, प्लेटलेट्स आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ल्यूकोसाइट्स आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। ठीक है, तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो डिजीज डिक्रीज होता है तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर इम्यून फंक्शन प्ले नहीं कर सकती। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर वे में नहीं चल रही, आपका ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे, उनको मैच्योरिटी के दौरान जो है विटामिन सी की जरूरत है। विटामिन सी जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट में नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारी डिजीज के साथ साथ मेजर डिजीज ओबेसिटी है वो भी आ जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जब आपकी बॉडी में तो आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं आपकी बॉडी की साथ एसोसिएटेड हैं, इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन जरूर है। ठीक है, और सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक की अमाउंट कम होती है तो दूसरे की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में और बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग से रिएक्शन शो करती है। तो इस विटामिन सी आज का टॉपिक था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है पहली स्लाइड आपके पास, फिर आपने इसकी केमिस्ट्री देखनी है, केमिस्ट्री क्या है, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है विटामिन को वो एल एस्कॉर्बिक एसिड है और जो स्टोर करती है वो डी एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर है, फिर इसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से चलता है और किस तरह से ये एसोसिएटेड है, इसके फंक्शन किस तरह से है, हमारी डाइटरी नीड क्या है विटामिन सी की, ठीक है कि हम किन किन चीज़ों से विटामिन सी ले सकते हैं, फिर ये है कि हमारी बॉडी के लिए कितनी नेसेसरी है विटामिन सी, वो मैंने आपको इस चार्ट में बताया, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा कि हम किस किस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी का अगर हम प्रॉपर इंटेक करते हैं जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, लाइक 60 मिलीग्राम पर डे, ठीक है,
तो ये सारी जो है वो एक आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, उस पर आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, उससे आप इस तरह से आपको ये प्रिपेयर हो जाएगी। और अगर हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो किस तरह से हमारी बॉडी उसको रिएक्शन शो करती है, ठीक है, लाइक हेमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स वर्क नहीं करते, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो मीन्स के साल अबाउट इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के इम्यून फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे ये मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।